बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेक्निक्स ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। मल्टी सेंसरी टीचिंग के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने मल्टी सेंसरी की मीनिंग बता रखी है, उसके बाद उसके करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विजुअल टेक्निक। द यूज ऑफ विजन इन टीचिंग रन्स फ्रॉम द रीडिंग ऑफ टेक्स्ट टू द रिचेस्ट ऑफ द विजुअल आर्ट्स। इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है आपको, विजुअल टेक्निक मतलब विजुअल मतलब देखना, यानी इसमें जिस जो टेक्निक का यूज किया गया जिसमें हम क्या होता है विजुअल वे में, जिसमें जो बच्चे होते हैं वो लर्निंग करते हैं विजुअल वीडियो क्लिप को देख के, जिससे क्या होता है जो जो भी उनकी जो लर्निंग होती है वो काफी टाइम तक उनके अंदर होते हैं, जिससे कि वो आराम से इजिली समझ सकते हैं। और इसका जो फायदा ये है कि जो बच्चे जो लर्न करते हैं वो काफी टाइम तक उनके दिमाग में रहता है। पेंटिंग, पोस्टर, वीडियो, रियली एनी क्रिएटिव विजुअल डिजाइन एलिमेंट यूज टू टीच। इसमें क्या होता है, जो बच्चों को हम टीचिंग करवाते हैं, बच्चों को लर्निंग करवाते हैं, वो किस तरीके से करवाते हैं, पेंटिंग के द्वारा, पोस्टर के द्वारा, और क्या कहते हैं कुछ क्रिएटिव विजुअल आर्ट्स के द्वारा, और इसमें जो बच्चों को तरह तरह की डिजाइनिंग वगैरह करके उन्हें टीच करा जाता है। विजुअल आर्ट्स कैन ऑल्सो हेल्प सप्लीमेंट ऑडिटरी और टैक्टाइल लर्निंग बाय फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटिंग म्यूजिकल नोट्स ऑन पेपर और थ्रो पिक्चर्स और हाउ टू शो और नाइट। इसमें क्या होता है, जो विजुअल एड्स होता है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ देख के ही काम होता है, इसमें क्या होता है दोनों तरीके की तकनीक भी अपनाई जाती है। जैसे ऑडिटर जिसमें जो हम वीडियो क्लिप चलाते हैं उसमें क्या होता है हमारा ऑडियो भी होता है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं सुन भी पाते हैं देख भी पाते हैं, प्लस में इसमें क्या होता है टेंटिकल लर्निंग होती है, जिससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं उसे देखते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि वो चीज उनके आसपास है, उसे फील करके ही बच्चे लर्निंग इजिली कर पाते हैं। जैसे कि हम म्यूजिकल नोट्स बनाते हैं किसी पेपर पे, तो उसे बनाने के लिए हमें क्या होता है पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, जिससे कि वो देख पाते हैं, और इसको क्या होता है सुनने के लिए भी हम उसमें ऑडियो क्लिप वगैरह बनाते हैं, जिससे कि वो इजिली उस चीज को समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑडिटरी टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ ऑडिटरी लर्निंग इंडिविजुअल द यूज ऑफ म्यूजिक, सिंगिंग, राइम्स, ऑडियो टोन्स, लिरिक्स, क्लैपिंग एंड डायलॉग्स, एनीथिंग दैट इन्वॉल्व द ईयर। इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है आपको, नाम से पता चल रहा है कि ऑडिटोरियम टेक्निक्स है, जिसका मतलब कि हम ऑडियो तरीके से इसमें लर्निंग करते हैं, जिसमें जो क्या क्या इंक्लूड है म्यूजिक, जैसे कोई म्यूजिक हो गया, म्यूजिक को जो हम लर्निंग करेंगे वो ऑडियो के तरीके से करेंगे, सिंगिंग हो गया, राइम्स हो गया, ऑडियो टोन्स हो गया, या तक कि जो बच्चे क्लैपिंग भी बजाते हैं उसे भी हम सुन के ही काम चलाते हैं, और जो डायलॉग्स या कुछ भी चीज इसमें जो ऑडिटोरियम टेक्निक में इन्वॉल्व होते हैं वो सारी चीजें हमारे ईयर से रिलेटेड होती है, मतलब कि उसे हम सुन के ही पता लगा पाते हैं कि जो हमारी लर्निंग करवाई जा रही है उसमें क्या करवाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेंटिकल टेक्निक्स। इसमें क्या है, एनीथिंग इन्वॉल्व टच टू इज टेंटिकल लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी चीजें होती है हमारी लर्निंग करवाई जाती है इस टेक्निक में वो टच के थ्रू करवाई जाती है, मतलब जो किसी भी चीज को हम टच करके उसे फील करके पता चल पाता है हमें। Often overlapping to engage fine motor skills specific tentacle techniques include the use of lateral tiles, coins, dominance, poker chips, sand rays, fine paper texture and fingerprint. इसमें क्या होता है, जो भी हम चीजें इसमें टेंटिकल टेक्निक में यूज करते हैं लर्निंग के थ्रू, इसमें क्या होता है मोटर स्किल्स होते हैं जो कि बच्चे एक दूसरे के साथ टच करके फील करके करते हैं, और इसमें क्या होता है जो हमारे लैटर टाइल्स होते हैं कोई से डोमिनेंस, पोकर शिप्स हो गए, सैंड रेस लाइन हो गए, ये सारी चीजें जो होती है हमारी ऐसी होती है जिसमें कि हम उस चीज को जो हम करते हैं उसे टच करके ही करते हैं, ये नहीं कि उसे सुन के या देख के काम चलाते हैं, बल्कि उस चीज को हम टच करते हैं फील करके ही लर्निंग करते हैं। स्मॉल पजल सच एज रूबिक्स क्यूब ऑल्सो इन्वॉल्व टेंटिकल लर्निंग। और जो छोटे छोटे पजल्स भी होते हैं छोटे बच्चों के लिए लर्निंग में जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं वो भी इसमें यूज किए जाते हैं। फाइनली मॉडलिंग मटेरियल सच एज क्ले और प्लास्टिसाइन मैक फॉर गुड लर्निंग मीडिया। इसमें क्या होता है, जैसे हम क्ले के थ्रू बच्चों को या फिर कुछ प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं उसके थ्रू बच्चों को लर्निंग करवाते हैं, जिस जो कि उनके लिए बहुत ही ईजिली होता है और जो कि काफी टाइम तक उनके दिमाग में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा काइनेस्थेटिक टेक्निक। इसमें क्या होता है, काइनेस्थेटिक लर्नर्स लर्न बाय थ्रो मोशन एंड यूजिंग बोथ फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें क्या होता है, नाम से पता चलता है काइनेस्थेटिक, इसमें क्या होता है जो भी हम लर्निंग करते हैं मूवमेंट के थ्रू करते हैं, इसमें सुन के देख के काम में चलता है, इसमें मूवमेंट का भी काम इन्वॉल्व होता है, जैसे कि इसमें जो हम
काम करते हैं, जो हम लर्निंग करवाते हैं उसमें फाइन आर्ट्स की और ग्रोस मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होती है। थ्रू समटाइम आल्सो मोशन एंड टच आर नॉट वन एंड द सेम। इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हम जो मोशन करते हैं या फिर किसी को टच करते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक चीज में हमें मोशन करते वक्त किसी को टच करने की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं होता। इसमें हम मूवमेंट के थ्रू इसमें लर्निंग करते हैं। काइनेस्थेटिक इज द सेंस वी यूज टू लर्न स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है, जब हम एक्टिविटीज करते हैं या फिर स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, वो हमारा काइनेस्थेटिक लर्निंग में आता है, जिसके थ्रू हम अच्छे से लर्निंग कर पाते हैं, फ्रॉम वॉकिंग टू गोल्फ टू डांस। इसमें क्या होता है, जैसे हम डांस करते हैं, डांस करते वक्त भी जो हमें मूवमेंट्स करते हैं वो भी हमारे क्या काइनेस्थेटिक लर्निंग में इन्वॉल्व होता है। चिल्ड्रेन विद डिस्लेक्सिया टाइपिकली हैव वी काइनेस्थेटिक, जो बच्चा होता है जिसे डिस्लेक्सिया की बीमारी होती है उसका जो काइनेस्थेटिक स्किल्स होता है, क्योंकि वो मूवमेंट करने में उसे प्रॉब्लम होती है तो वो मूवमेंट नहीं कर पाता, जिसके कारण जो उसका काइनेस्थेटिक लर्निंग होता है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट टाइम वन कैन काइनेस्थेटिक टीचिंग मेथड यूज विद डिस्लेक्सिया इज एयर राइटिंग, वेयर इन ए स्टूडेंट से अ लेटर आउट लाउड बाय द स्टिमुलेटरी राइटिंग। इसमें क्या होता है, काइनेस्थेटिक टीचिंग में क्या होता है, उस तरीके का मेथड होता है। इसमें क्या होता है, जो डिस्लेक्सिया होता है एयर राइटिंग होता है, जैसे हम हवा में लिखते हैं उस तरीके के इसमें लिखना होता है, और जैसे हम लाउड लाउड बोलते भी हैं इस राइटिंग को। इट इज नॉट द एयर अ टेक्निक डेटिंग बैक टू द अर्ली डेज ऑफ सैमुअल ऑल्टन। इसे क्या होता है, इसका जो स्टार्टिंग की थी सैमुअल ऑल्टन ने की थी, और टेक्निक के लिए उन्होंने पहले काफी टाइम बाद इसका एक्सपीरियंस किया था, उसके बाद इसे इन्वॉल्व किया था, इसे आगे लेके आया था। सेम एक्सरसाइज कैन बी डन इन सैंड और विद प्लास्टर, और ये जो एक्सरसाइज है उन्होंने मिट्टी के साथ और प्लास्टर सैंड के साथ भी की थी। बट रियली एनीथिंग डेट कॉन्सेप्ट बॉडी मूवमेंट टू लर्निंग इज काइनेस्थेटिक, फ्रॉम जंपिंग रोप टू क्लैपिंग इन रिथम टू टीचिंग लॉन्ग डिविजन मैथड। इसमें क्या होता है, जो उन्होंने देखा था, महसूस किया था कि जो भी हम जैसे हम बच्चों के साथ खेलते कूदते या फिर मूवमेंट करके जो लर्निंग करते हैं, या फिर जैसे रोप के ऊपर जंपिंग या क्लैपिंग करते हैं, जो हमारे राइम्स वगैरह होते हैं उसमें, या फिर हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, वो इन्वॉल्व होता है हमारे काइनेस्थेटिक टेक्निक में, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए हमें मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है, और मूवमेंट्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि हम लर्निंग ईजिली कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।